मिथुन राशि वालों का आज का दिन यानी कि उनतीस दिसंबर दो हजार बीस का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ उनतीस दिसंबर दो हजार बीस के पंचांग के बारे में आज तिथि है चतुर्दशी नक्षत्र है मृगशिरा पक्ष है शुक्ल पक्ष दिन है मंगलवार आज के दिन सूर्य उदय का समय है सात बज के तेरह मिनट में सूर्य अस्त का समय है पांच बज के तैतीस मिनट में आज का दिन काल है दस घंटे बीस मिनट तीस सेकेंड का महीना है मार्ग सिर से आज आपके लिए शुभ समय शुरू होता है बारह बज के दो मिनट पीएम से बारह बज के चौबालीस मिनट पीएम तक अशुभ काल शुरू होता है नौ बज के सत्रह मिनट एएम एम से नौ बज के अंठावन मिनट एएम एम तक राहु काल शुरू होता है दो बज के अंठावन मिनट पीएम से चार बज के सोलह मिनट पीएम तक दिशा सूल है उत्तर दिशा की ओर तो ये था आज का पंचांग मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेव कमेंट कर दें इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले समय का अनोखा टोटका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है तो आप उसे भी देखें मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके स्वास्थ्य के बारे में दोस्तों आने वाले समय के दौरान ने आपके व्यक्तिगत समस्याओं के कारण ने आपकी मानसिक शांति भंग होगी आने वाले समय के दौरान ने आपके व्यक्तिगत समस्याओं के कारण ने आपके स्वास्थ्य के मामलों में परेशानी का सामना आपको बहुत ज़्यादा करना होगा लेकिन आने वाले समय के दौरान ने जिस काम को करने से आपको खुशी मिले जिस काम को करने से आपको मानसिक शांति मिले आप वही काम करें क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान ने आपके स्वास्थ्य के मामलों में कहीं कोई परेशानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा लेकिन आने वाले समय के दौरान ने अगर आपके धन संपत्ति की बात करें तो पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब दोस्तों आने वाले समय के दौरान पैसे बचाने पर फिजूल खर्ची करने पर आपको ध्यान देना होगा क्योंकि आने वाले समय के दौरान ने, अगर आप पैसे बचाने पर ध्यान नहीं देते हैं तो धन संपत्ति के मामलों में आपके समय का साथ है, आपके समय का सपोर्ट है, आपको नहीं मिलेगा वैसे आने वाले समय के दौरान ने, अगर आपके घर परिवार की बात करें तो घर परिवार के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ज्यादा बेहतर और शानदार है आने वाले समय के दौरान आपके घर वालों का साथ आपके घर वालों का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है मित्रों आने वाले समय के दौरान आपको अपने क्षमता के अनुसार गौशाला में कुछ दान पुण्य करना होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा आज आपके लिए भाग्यशाली अंक है चार यानी की भोर आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है नारंगी और सुनहरा तो यही था आपके आने वाले समय का राशि फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें धन्यवाद जय सिया राम राधे राधे